हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी नॉवल की समरी पढ़ेंगे और वो नॉवल है अ हैंडफुल ऑफ राइस, जिसको लिखा है कमला मारकंडे ने और आप सबको पता है कि ये इंडियन नॉवलिस्ट हैं। फ्रेंड्स, अ हैंडफुल ऑफ राइस पब्लिश हुई थी 1966 में। जैसा कि आप इसके टाइटल से भी समझ सकते हो कि इसमें क्या होगा, मीन्स कमला मारकंडे अपनी नॉवेल्स में इंडियन विलेजेस की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, स्टारवेशन, ये सारी चीज़ें शो करती हैं। तो ऐसा ही इस नॉवेल पे भी हम लोग देखेंगे। इस नॉवेल में 40 चैप्टर्स हैं, बट इसमें आज मैं हाफ मीन्स 20 चैप्टर्स की स्टोरी बताऊँगी। 20 चैप्टर्स की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए नॉवेल की समरी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये नॉवेल स्टार्ट होती है तो इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर है रवि, वो इस नॉवेल का हीरो भी है। ये देखते हैं कि वो रोड पर भाग रहा है और उसके पीछे ना एक पुलिसमैन पड़ा हुआ है जो कि उसका पीछा कर रहा है। रवि पुलिसमैन से बचना चाहता है तो इसके लिए वो क्या करता है, एक हाउस में एंटर हो जाता है। वो घर होता है अप्पू का, अप्पू के घर पे ये एंटर हो जाता है और फोर्सबली उससे बोलता है कि तुम अपना दरवाज़ा खोलो। वो काफ़ी इसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन अप्पू रवि को नहीं रोक पाता है और फाइनली रवि फोर्सली अंदर एंटर कर लेता है। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो डिमांड करता है कि मुझे खाना ला के दो। तो अप्पू जाता है अंदर और इसके लिए ब्रेड, बटर मिल्क और स्वीट पोटैटो लेके आता है। उसके बाद ये तब तक खाता है रवि जब तक कि इसकी हंगर सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक इसकी भूख ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके बाद ये डिमांड करता है कि मुझे एक सॉफ्ट सा बेड चाहिए सोने के लिए। तो अप्पू उसको एक मैट देता है, एक मैट्रेस देता है, पिलो देता है, एक इसको ओढ़ने के लिए शॉल देता है और ये बिस्तर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होता है। किसके लिए लग्जूरियस होता है? रवि के लिए लग्जूरियस होता है। और वो जैसे ही उस बिस्तर पर लेटता है तुरंत ही सो जाता है। अब जब रवि सुबह जागता है तो वो अपने आप को चैन पे बंधा हुआ पाता है कि वो चैन से बंधा हुआ है। और जो अप्पू की वाइफ होती है जिसका नेम होता है जैम्मा, ये इसको बहुत ही ज़्यादा पीटती है और इसको ब्लैक एंड ब्लू कर देती है, इतना ज़्यादा पीटती है। और रवि का हेड भी इंजर्ड हो जाता है और उससे ब्लीडिंग हो रही होती है। जैसे अप्पू ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मेरी वाइफ ने इसके साथ इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी कैसे की है। उसके बाद वो दोनों उससे पूछते हैं, मीन्स अप्पू और उसकी वाइफ दोनों ही उससे पूछते हैं कि तुम इस तरीके से मेरे घर पे एंटर कैसे हुए, रात को तुमने इतना फोर्सफुली हमको डराया धमकाया, तुम क्यों अंदर आए। तो बोलता है कि रवि बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं अंदर आया, इसलिए मैंने तुमसे खाने की डिमांड भी की थी। उसके बाद ये दोनों को बहुत ही ज़्यादा उस पर दया आती है तो फिर वो लोग इसके वुंड्स में जो घाव हो गए थे मारने की वजह से उसको साफ़ करते हैं और उसको अच्छे से कपड़े भी देते हैं पहनने के लिए। उसकी जो वाइफ, अप्पू की वाइफ थी जम्मा, उसको भी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि देखो मैंने इसके साथ कितना गंदा बिहेव किया। उसे बोलते हैं कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे बिना खाना खाए हुए, तुम खाना खाकर ही यहाँ से जाओगे। बोलता है ठीक है। उसके बाद वो उसको नाश्ते में इडली देती है खाने के लिए और पीने के लिए कॉफ़ी देती है। और जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो रवि फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाता है। उसके फ्रेंड का नेम होता है दामोदर। फ्रेंड्स, एक्चुअली जो दामोदर है ये छोटा सा क्रिमिनल है, छोटी मोटी ये क्राइम करता रहता है। और रवि उसके पास जाता है और उसको पूरी रात की स्टोरी बताता है कि एग्जैक्टली रात में उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब फ्रेंड्स, मैं रवि के बारे में आपको बता दूं कि रवि है वो ना गांव से शहर की तरफ आया है, सिटी की तरफ आया है, क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत थी। तो वो आ जाता है यहाँ पे, बट उसको जॉब तो मिलती नहीं है तो वो क्या करता है, छोटे मोटे क्राइम करने लगता है। और किसका फ्रेंड बन जाता है? दामोदर का। दामोदर और ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। और ये जब फर्स्ट सीन स्टार्ट हुआ था तो ये वही सीन था जब ये पुलिसमैन इसका पीछा कर रहा था और ये भाग रहा था क्योंकि इसने छोटा मोटा कोई क्राइम किया होगा, ठीक है। उसके बाद ये रवि किस क्या कहता है, दामोदर को अपनी सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से रात में उसके साथ क्या क्या हुआ था।
उसके बाद जब सुबह होती है तो रवि फिर से अप्पू के घर जाता है और उसको ऑफ़र करता है कि मैंने तुम्हारे जो बार्स जो सेट था बार्स का, मैंने उसको ख़राब कर दिया था, वो मुझसे लास्ट नाइट ना ब्रोक हो गया था, तो मैं ना उसको मेंड करा देता हूँ। तो जेम्मा उसको क्या कहती है, अनविलिंगली उसको 5 रुपीज़ देती है कि तुम जाओ इसको सही करा लाओ। तो रवि उस बार्स के सेट को सही कराने के लिए जाता है कानन के पास। कानन कौन है यहाँ पे? कानन है ब्लैक स्मिथ, जो कि रवि का अच्छा फ्रेंड भी है, क्योंकि पहले कभी रवि ने कानन के लिए काम भी किया होता है और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है। कानन उस बार्स के सेट को अच्छे से तैयार कर देता है और उसके बाद इसको दे देता है। उसके बदले वो रिपेयरिंग का मीन्स मेंडिंग करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता, और तो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं इन 5 रुपीज़ को अपने पास ही रख लूँ या मैं वापस कर दूँ। पहले सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं 4 रुपीज़ वापस कर लेता हूँ और 1 रुपीज़ अपने साथ रख लेता हूँ। लेकिन उसके बाद ये क्या करता है कि कोई नहीं उसको दे देता है, इसको किसको रिटर्न कर देता है, 450 उसको वापस कर देता है जेम्मा को। तो जेम्मा इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अरे वाह, रवि ने मेरा जो बार्स था इसको सही भी करा दिया और इसके पैसे भी नहीं लगे, और तो एक खुश होकर उसको 25 पैसे और दे देती है। अब रवि की नज़र पड़ती है नलिनी पे, नलिनी जो कि हंस रही होती है वहाँ पे, और नलिनी यहाँ पे डॉटर है अप्पू की, अप्पू की यंगेस्ट डॉटर है। जैसे ही रवि नलिनी को देखता है तो इसको नलिनी से प्यार हो जाता है, और अब ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने का और अप्पू की हेल्प करने का। फ्रेंड्स, इस नॉवेल पे अप्पू एक टेलर है जो कि कपड़े सिलता है, और कपड़े सिल के जो इंग्लिश मैम साहब हैं उनको ये कपड़े सिल के डिलीवरी करता है। अब रवि हर टाइम सिर्फ नलिनी के बारे में ही सोचता है, और लेकिन वो ये चाहता है कि वो जब भी नलिनी से मिले तो एक कूली की तरह ना मिले, मीन्स एक इस तरीके से ना मिले कि वो उसके फादर के घर का वर्कर है, वो सेम पोजीशन से ही उससे मिले। उसके बाद ना ये अपने ही बारे में, अपने ही ख्यालों में रवि खो जाता है और याद करता है अपने विलेज की यादों में खो जाता है, और सोचता है कि किस तरीके से उसके ब्रदर्स और उसके सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ ने विलेज छोड़ दिया और सिटी आ गए, क्योंकि गांव में ना कुछ करने के लिए था ही नहीं। उसके बाद उसको याद आती है अपनी माँ की, उसकी माँ की डेथ हो गई थी डिसअपॉइंटमेंट में, तो वो ये सब चीज़ें सोचता है कि मैं सिटी तो आ गया लेकिन यहाँ पे तो कितने थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो कि विदाउट जॉब के घूम रहे हैं इधर से उधर, मुझे कैसे जॉब मिलेगी। उसके बाद रवि अपने ख्यालों से वापस आता है और दामोदर के पास जाता है और उसको ये बताता है कि किस तरीके से अब वो नलिनी को प्यार करने लगा है। दामोदर उसको एडवाइस देता है कि तुम्हें ना इस चीज़ के लिए जयम्मा को तैयार करना चाहिए। जयम्मा कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे नलिनी की मदर है। और जब दामोदर को ये पता चलता है कि नलिनी के फादर एक टेलर हैं, तो वो रवि से बोलता है कि तुम उनके यहाँ से, उनके वेयर हाउस से जाके कोई अच्छे अच्छे से कपड़े चुरा लो, फैब्रिक चुरा लो। ये चीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बट एनी हाउ ये दामोदर की बात को फॉलो करता है। उसके बाद रवि इसके घर पे आता है, इसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगता है, लेकिन जो रवि और अप्पू का जो स्टैंडर्ड है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। रवि जो कि पुअर वर्कर है और अप्पू एक अच्छा टेलर भी है और एक रिच मैन है, उसके पास हैवी टेक्चर है, बहुत ही अच्छा इंसान होता है, बाई नेचर भी बहुत अच्छा होता है। अब पहले रवि इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट अप्पू की नहीं करता था, लेकिन अभी वो अप्पू की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है, उसके बिजनेस में भी उसका साथ देता है, और बार बार वो ये कोशिश करता है कि मैं हर तरीके से अप्पू को खुश रखूं, और अप्पू को वो रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। जबकि रवि को ये टेलर मतलब स्टिचिंग का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन अब वो क्या करे, वो तो प्रेफर करता है गवर्नमेंट जॉब को, लेकिन गवर्नमेंट मिलना जॉब तो उसके लिए मुश्किल है। फिर भी अप्पू उसको एक अच्छी सैलरी भी पे करता है, और वो ये सोचता है कि कम से कम अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब होती तो कम से कम रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलती। इन सब ख्यालों में ये खोया रहता है। उसके बाद रवि ये नोटिस करता है कि जो
नलिनी की मदर है जयम्मा। अब ये नलिनी पे बहुत ही स्ट्रिक्ट वॉच रखती है। क्यों वॉच रखती है? क्योंकि उसको लगता था शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। उसके बाद एक दिन ये क्या करता है, रवि की ऑरेंज क्रश लेके आता है और कोला लेके आता है नलिनी के लिए और उसकी मदर के लिए। तो उसकी मदर को ये बहुत ही पसंद आता है। तो रवि बोलता है कि अगर आप मेरे साथ स्टॉल पे चलते तो वहाँ आपको ठंडा ठंडा पीने के लिए मिलता, यहाँ पे तो बस ऐसे ही है। तो रवि प्रपोज़ करता है तो उसकी मदर इसके साथ स्टॉल पे जाती है और नलिनी भी जाती है। धीरे धीरे स्टॉल पे जाने के साथ साथ ही अभी उनका रूटीन बन गया था और अभी लोग सिनेमा भी जाते थे मूवी देखने के लिए। लेकिन अब रवि ये चाहता था कि उसकी माँ ना आए, नलिनी की माँ मिस जयम्मा ना आए। लेकिन जयम्मा हर बार बीच में चली जाती थी क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा शौक होता है सिनेमा जाने का। अब एक दिन ये लोग एक प्रोसेशन देखने जाते हैं। उसके बाद जयम्मा ये चाहती है कि मैं रवि के क्वार्टर पे जाके मैं देखाऊँ, जाना चाहती है। लेकिन रवि के पास तो कोई क्वार्टर ही नहीं था, वो तो पेवमेंट्स में सोता था, फुटपाथ पे सो जाता था। तो रवि अब उसको झूठ बोलता है और ये बोलता है कि वो जिस घर पे रहता है वहाँ पे उसकी आंटी रहती हैं और वो सीरियसली इल हैं, अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऐसा कह के वो बहाना बना देता है। तो जयम्मा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, और तुम अपनी आंटी को मेरे घर पर ले कर आना। अब उसके बाद रवि ने झूठ तो बोल दिया था लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास तो रहने की जगह ही नहीं थी, ये उसकी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद रवि अपने फादर राम को लेटर लिखता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे आए और उसकी शादी की बात कर ले नलिनी से। उसके फादर आते हैं, सिटी आते हैं और बात करते हैं। जब उसके फादर आते हैं तो सबसे पहले नलिनी की सिस्टर देखती है जिसका नेम होता है थंगा। ये देखती है तो बताती है रवि को कि तुम्हारे फादर आए हैं। उसके बाद ये लोग कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, बात करते हैं। फिर ये अपने फादर को अप्पू के घर लेके आता है, ये दोनों बात करते हैं। उसके बाद इसकी और नलिनी की, मिस रवि की और नलिनी की फाइनली शादी डिसाइड हो जाती है और इन लोगों की शादी हो जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ शादी के बाद इसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है, अच्छा सा बेड भी दिया जाता है। बट आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ दिनों के बाद उससे वो बेड वो सब ले लिया जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है रवि को। और रवि को अब ये लगने लगा है कि मुझे ना प्राइवेसी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे इस फैमिली में। तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा है क्योंकि वह प्राइवेसी चाहता था, और लेकिन प्राइवेसी नाम वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो कुछ लग्जूरियस चीज़ें भी ख़रीदना चाहता था, जैसे कि नलिनी के लिए सुंदर सुंदर से साड़ीज़, अपने लिए बेड, कुछ माउथ ऑर्गन्स और भी अदर चीज़ें। अब इस बात को लेकर वो अप्पू से ना बार बार उसकी ना बहस होने लगती है। वो अप्पू से बार बार बोलता है कि आप वो ना उसके जितने भी पैसे देता है उसके ना थोड़ा सा वेजेस बढ़ाना चाहिए। तो अप्पू बोलता है मुझे तो कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता कि तुम्हारा वेजेस बढ़ाना चाहिए। अब अप्पू एक दिन क्या करता है कि रवि से बोलता है कि तुम जाओ ये जैकेट से जाके दे के आओ, और 1 dozen जैकेट देता है और कहता है इन 1 dozen जैकेट्स को बेचने के बाद तुमको 80 rupees मिलेंगे। बोलता है ठीक है। लेकिन जब वो जाता है तो उसको एग्जैक्टली कॉस्ट पता चलता है कि जो 1 jacket का कॉस्ट था 120 rupees, और यहाँ पे ये कितने का बेच रहा था, 1 dozen जैकेट 80 rupees के बेच रहे थे। तो ये उससे बोलता है रवि अप्पू से कि तुम्हें ना कॉस्ट बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये इसकी बात नहीं सुनता। कहता है कि अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगा तो मेरे सारे कस्टमर ना इधर उधर हो जाएंगे और मैम साहब भी नाराज़ हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अब रवि इससे बहुत ही ज़्यादा खुश नहीं रहता है। और इसकी जो सिस्टर थी नलिनी की, जिसका नाम था थंगम, उसकी शादी होती है पुत्तन के साथ। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेजी इंसान होता है और हमेशा अपने वर्क को क्या करता है, इग्नोर करता है। रवि को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। अगर रवि जो होता है वो मीन्स इंडियन लेडीज़ के लिए काम करना चाहता है, ना कि मीन्स मेम साहिब के लिए काम करना चाहता है। एक दिन ये लोग सब लोग जाते हैं, उन मेम साहिब से मिलते हैं, लेकिन मेम साहिब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो अप्पू बोलता है कोई बात नहीं, उनके कल्चर का है, हमें तो सिर्फ अपना काम करना है, बाकी और हमें इनसे कोई भी काम नहीं है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो अपू के दोनों डॉटर हैं उनकी शादी तो हो ही गई है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इनकी फैमिली में, क्योंकि जो पुत्तन है वो कुछ भी नहीं करता है, बट ट्राई कर रहा है जॉब ढूंढने का। उसका क्या होता है, वर्मा से झगड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे वर्मा कौन है, वर्मा अपू का नेफ्यू है, और लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी जम्मा को पसंद नहीं आती है कि इन लोगों का झगड़ा हो जाता है। तो जम्मा बोलती है कि अगर पुत्तन कोई जॉब नहीं ढूंढ सकता है तो उसको बेबी करने का भी कोई भी राइट नहीं है। उसके बाद नलिनी प्रेग्नेंट हो जाती है, और अब रवि के ऊपर का प्रेशर भी बढ़ जाता है। रवि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न करना चाहता है। उसके बाद थंगम को ना, जो उसकी सिस्टर थी नलिनी की, उसको प्री मेच्योर लेबर पेन होता है। तो जम्मा सारे मेल्स कैंडिडेट को बोलती है कि आप सब लोग घर से बाहर जाओ, जबकि अपू एक रूम पे रुक जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स उसको एक बेबी गर्ल होती है पुत्तन को, तो रवि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि नलिनी भी प्रेग्नेंट है और उसको लगता है कि शायद नलिनी को बेटा ही होगा, और ये उस घर का पहला ही बेटा होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो डॉटर थी अपू के, उनको कोई भी बेटा नहीं था। अब अपू भी यहाँ पे इसको बहुत पसंद करता है, और जो रवि है, रवि ने अपना खुद का शेल्टर बना लिया है उसी घर में जहाँ पर जम्मा और अपू रहते हैं। और रवि को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि थंगम और उसके बच्चे उसके कमरे के आसपास भी घूमें। इस बात से लेकर रवि को सब लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के चैप्टर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।